हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे कि आपके पास लाइसेंस कौन सा होना चाहिए। बहुत लोगों का कमेंट है कि लाइसेंस कौन सा ले, किस कंपनी का लाइसेंस लेना चाहिए, किस कंपनी का जो है लाइसेंस अच्छा रहेगा। ऐसा जो है काफ़ी सारे सवाल जो है ऑपरेटर का मन में होता रहता है। तो आज हम आप लोगों को क्लियर करते हैं कि लाइसेंस जो है वो कौन सा लेना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, लाइसेंस जो प्रोवाइड करते हैं, जो 30% जो लाइसेंस को प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसा ही मतलब उसकी मन से प्रोवाइड नहीं करते। लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि मेरे को जो है टावर क्रेन ऑपरेटिंग का लाइसेंस मेरे को उन लोगों को देना है, उन लोगों को प्रोवाइड करना है, तो आप जो है मेरे को लाइसेंस देने के लिए मेरे को अथॉरिटी दे दो। तो गवर्नमेंट से जो अप्लाई करते हैं उनको काफ़ी खर्चा होती है, उनको काफ़ी सारा डिग्री उनको दिखाना पड़ता है, काफ़ी सारा उसको पैसा पे करना पड़ता है, और पढ़ाई लिखाई का डिग्री जो भी है मतलब मैकेनिकल का, आईटीआई का, डिप्लोमा का, सब उनको दिखाना पड़ता है। तो काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लाइसेंस लेने का, जो अथॉरिटी है उस परमिशन को लेने के लिए। तो ये लेने के बाद ही जो है कोई भी 30% जो है हम लोग जैसे ऑपरेटर लोग जो है उन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई भी मतलब चाहेगा तो अपने मन से लाइसेंस नहीं दे सकता। आपको लाइसेंस देने के लिए जो पर्सन आपको लाइसेंस दे रहा है उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको लाइसेंस दे पाएगा। यानी वो बंदा जो आपको लाइसेंस दे रहा है, जो 30% आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो लाइसेंस देने का उसमें औकात है क्या, उसको लाइसेंस देने का उसमें अथॉरिटी है क्या, मतलब उनमें क्षमता है क्या लाइसेंस देने का, वो क्या क्या जानते हैं मैकेनिकल के बारे में। भी सारे सवाल भी उनसे पूछते हैं, उनका भी इंटरव्यू होते हैं, वो सारे पास होने के बाद ही जो है गवर्नमेंट जो है 30% को लाइसेंस देने का अप्रूव करते हैं। तो उस 30% जो है आपको लाइसेंस दे सकता है, ऐसे कोई भी 30% लाइसेंस दे नहीं सकता। तो बात यह है कि कोई भी 30% का लाइसेंस जो है वो वैल्यूबल होती है। ऐसा कोई भी 30% का लाइसेंस नहीं होगा कि ये वैल्यूबल नहीं है। अगर कोई कंपनी में आप गया और वो कंपनी आपको बोलने लगा कि ये लाइसेंस नहीं चलेगा, ये एग्जांपल के लिए मानिए कि वो बता रहा है कि जो ग्लोबल जो कंपनी है उसका लाइसेंस हम लोग नहीं मानेगा, उसका लाइसेंस का वैलिड नहीं होता है, आप दूसरा कंपनी का लाइसेंस लेके आओ, ऐसा बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल वो बोल नहीं सकता। तो कोई भी 30% का लाइसेंस कोई भी कंपनी को जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप लाइसेंस किसी का भी ले लो, ग्लोबल का ले लो, BSLVL का ले लो, अथवा मैगटेरी का ले लो, किसी का भी आप लाइसेंस ले लो, सबका लाइसेंस का सेम वैल्यू होती है। अभी आप बात करोगे कि जो BSLVL का जो है उसका लाइसेंस बनाने में कुछ 4,000 के आसपास खर्चा होता है, और ग्लोबल का जो लाइसेंस है वो बनाने में कुछ 2,500 के आसपास खर्चा होता है, तो पैसे का डिफरेंस क्यों है? ये पैसे का डिफरेंस के मतलब क्या, मतलब जो है लाइसेंस का जो है वैल्यू कम ज़्यादा ऐसा है क्या, ऐसा ये भी एक सवाल है। तो इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी लाइसेंस का पैसा ज़्यादा मांग रहा है उसको क्या होती है, वो बड़ा कंपनी होते हैं, उनका ऑफिस होते हैं बहुत बड़ा सा, उनका स्टाफ होते हैं, टाइपिंग खर्चा होते हैं, ये सब खर्चा जो है मिला जुला के जो है वो मतलब लाइसेंस प्रोवाइड का जो खर्चा है, जो वैल्यू है उसको थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। जो कंपनी कम खर्चा में दे रहा है उसके पास स्टाफ कम होते हैं, उसके पास टाइपिंग खर्चा कम होते हैं, इसके लिए वो कम खर्चा में दे रहा है। तो पैसे की तुलना में आप कोई भी कंपनी के लाइसेंस को मतलब वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं बोल सकते, या तो फिर कर भी नहीं सकते। पैसे की तुलना में मैं बताया आपको कि ऑफिस खर्चा, स्टाफ खर्चे सब मिला जुला के जो है कंपनी लाइसेंस का जो प्राइस है वो मतलब डिसाइड करते हैं। तो पैसे के मामले में कोई भी कंपनी का लाइसेंस जो है वो इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, ऐसा आप बिल्कुल बोल नहीं सकते। सबका लाइसेंस का वैल्यू सेम ही होते हैं, बस ऑफिस खर्चा, स्टाफ खर्चा मिला जुला किसी किसी का जो है ये लाइसेंस का जो प्राइस है वो थोड़ा जास्ती रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आप कोई भी कंपनी का किसी का भी लाइसेंस लेके कोई भी कंपनी में जा सकते हो, वो कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, आपको लाइसेंस को जो है आपका जो लाइसेंस है उसको उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो बोल नहीं सकता कि लाइसेंस नहीं चलेगा, ऐसा बोल नहीं सकता, ये गवर्नमेंट का रूल्स के खिलाफ है। तो कोई भी कंपनी आपका लाइसेंस जो है, कोई भी कंपनी का लाइसेंस आपके पास है तो आप कोई भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।